रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया। श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोड़ी, मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नीति भी है, राम नीति भी है। राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है। राम विभू है, विशद है। राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए राम विवाद नहीं, राम समाधान है। ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस
और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना, परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए